होली के त्यौहार को लेकर जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए फौजदारी अधिकारी मौजूद हैं विनीत जी, बातचीत करेंगे। सुबह भी चोपला मंदिर पर छापेमारी की गई है, भारी तादाद में मावा बरामद किया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, कितनी जो छापा मारा गया है तो कितने की बरामदगी की गई होगी? देखिए, इसमें लाखों रुपये का मावा था जो मेरठ से गाड़ियों में भर के आ रहा था। हम लोगों ने 3 गाड़ियों की जाँच की है, उसमें नमूने उनके लिए गए हैं और दुकानों की भी, जो वहाँ जिन दुकानों पर बेचा जाना था उन दुकानों की भी जांच की गई है। तो ये सारी कार्रवाई अभी की गई है आज के दिन। अच्छा सर, कितने की इसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी? कितनी कीमत में ये लोग बेच रहे थे, क्या कमी उसके अंदर मिली? देखिए, प्रथम दृष्टया जो हमें लग रहा है कि इसमें या तो कोई रिफाइंड मिला हो सकता है या इसमें जो फैट है उसकी चोरी है। तो ये लाखों रुपये का माल है, वैसे लगभग 150 से 200 कुंटल करीब मावा था उन गाड़ियों में, और ये सारा 200-250 की लगभग की रेंज में इनका बिकता है। अच्छा सर, होली का त्यौहार भी है, उसको लेकर ज़्यादा मिलावट के मामले सामने निकल कर आते, किस तरह से छापेमारी की जा रही है, कितनी जगह पर छापेमारी की गई? देखिए, हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है कि जहाँ से बल्क में आता है या जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल है उन पॉइंटों पे ही ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, और वहाँ से अधिक नमूने एकत्रित कर ये पता लगाने का प्रयास है कि कोई मिलावट का कोई नया ट्रेंड तो इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा सर, जो छापेमारी की गई है सुबह, कहाँ से ये लोग आ रहे थे, कुछ पता लगा? ये मेरठ में सरदना तहसील के आसपास के गांव के लोग हैं जो वहाँ मावा बनाते हैं और यहाँ लाके मावे को बेचते हैं। अच्छा सर, किस तरीके से इनकी सूचना मिली, क्या लगता है इनसे बातचीत करके और भी जगह का खुल पाएगा? देखिए, ये एक ही मावा मंडी है हमारे, यहीं पर ये लोग आते हैं और पता ही चला कि ये नियमित हैं, लेकिन त्यौहार के समय में मिलावट की आशंका क्योंकि ज़्यादा होती है इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं कि गाज़ियाबाद में भी कहीं पर ये लोग मावा बना रहे हों, जो बातचीत की होगी उनसे? गाज़ियाबाद में भी एक दो जगह को चिन्हित किया गया है और वहाँ बहुत जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। सर, नमूने लिए हैं इनके, कब तक इनकी रिपोर्ट आ पाएगी? देखिए, बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में अगर रिपोर्ट आ जाती है तो तत्काल इन पर मुकदमा किया जाएगा और जो आगे की विधिक कार्रवाई हो तभी प्रारंभ हो पाएगी। सर, लोगों से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार है? देखिए लोग, इसमें थोड़ा सा बस ये है कि चख के और खा के ज़रूर एक बार देख लें, अगर ज़रा सा डाउट है तो हमें बताएं, और जो मिठाई में खास तौर से ये कि रंगीन मिठाइयों से बचें, कि रंग कुछ ऐसे रंगों का प्रयोग भी हो सकता है कि जो सेहत के लिए हानिकारक हो। अच्छा सर, मिठाई में और मावा में कैसे आम लोगों को पता लगे कि इसमें मिलावट है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि व्यक्ति का अपना जो टेस्ट होता है वो टेस्ट से आइडिया लग जाता है। जनरली वो चीज़ें खाते रहते हैं, अगर कुछ डिफरेंट उसमें लगता है, कोई ऐसा कलर ज़्यादा चटकीला रंग उसमें दिखाई देता है, तो इससे ही पता चल पाता है। बाकी तो केमिकल एनालिसिस हैं, उसको एक आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है करना, तो उसके लिए फिर विभाग ही लैब से जांच करा सकता है। अच्छा सर, गाज़ियाबाद में टोटल कितने सैंपल लिए होंगे अगर पूरे साल की बात करें तो? नहीं, पूरे साल में हम लोगों ने अभी 750 के लगभग सैंपलिंग हो चुकी है अभी तक की, और पर्टिकुलर अभियान जब चलता है, त्यौहार आते हैं उस समय सैंपलिंग की गतिविधि थोड़ी बढ़ा लेते हैं हम लोग। अच्छा सर, कोई ऐसी जगह हो जिनको चिन्हित किया गया हो जहाँ पर छापेमारी की जा रही हो, क्योंकि जिस तरह से सुबह छापेमारी की गई है? हाँ, वो बिल्कुल हम लोगों ने किया है और जैसे ही कार्रवाई होगी हम अवगत कराएंगे सभी को। तो ये थे हमारे साथ विनीत कुमार, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार जो फूड विभाग है उसके द्वारा छापेमारी की जा रही है। सुबह भी छापेमारी की गई और लाखों की तादाद में जो मावा है उसको बरामद किया गया है। सोनू खान, जर्नलिस्ट टाइम्स, गाज़ियाबाद।